माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाड़ी है और आज मैं आप लोगों का ब्यूटीफुल सा ब्राइडल बन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से आप बना लोगे। एंड मैंने अपने बालों में कलर कर लिया है, जो भी मेरे वाइट हेयर थे वो 100% कवर हो चुके हैं और बहुत ही नेचुरल लुक आया। बाल भी बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ है, कहीं भी फंस नहीं रहा है। अगर आपको भी ऐसे हेयर कलर करना है तो कौन सा कलर किया है, कैसे किया है, कल की वीडियो में अपलोड की हुई है, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा, कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हेयर स्टाइल को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस डमी पे बताऊंगी हेयर स्टाइल, ओके। क्योंकि ब्राइडल बन है तो थोड़ा सा खुद से बनाना डिफिकल्ट होगा, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, किसी और को बनाना चाहोगे और एक दो बार ट्राई करके आप खुद से भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बालों को अच्छे से सुलझा रही हूँ। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो गाइस। तो हेयर स्टाइल करने के लिए सबसे पहले मैं सेंटर पार्टीशन कर रही हूँ, बीच की मांग निकाल दूँ, फिर ईयर टू ईयर इस तरीके से पार्टीशन कर ले रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा ब्राइडल बन बन के यहाँ पे रेडी हो रहा है। छोटी माथे के लिए बहुत बेस्ट रहेगा, जिसका भी माथा छोटा है थोड़ा, उसके ऊपर आप ये करोगे तो बहुत प्यारा लगेगा। मीडियम माथे के लिए भी अच्छा लगेगा। फिर जो क्राउन एरिया के हेयर थे उनका थोड़ा सा सेक्शन लिया है और आगे की तरफ छोड़ दिया है, फिर पीछे से थोड़ा सा सेक्शन लिया, इस तरीके की स्टफ़ी लेके उसके ऊपर लपेट दिया है पूरे बालों को पफ बनाने के लिए। अब थोड़े थोड़े हेयर लेके इसको इस पफ को अच्छे से हाइड करेंगे, इस तरीके से हेयर को ले लेंगे और अच्छे से कॉम करेंगे और बॉबी क्लिप की मदद से इसको सेट कर लेंगे। स्टफ़ी को अच्छे से सेट कर लीजिएगा, सेंटर में एकदम बीच में होना चाहिए। फिर पीछे के बालों को ट्विस्ट करके इस तरीके से अच्छे से सेट कर लीजिएगा, सेंटर में एकदम होना चाहिए ये। तो इस तरीके से कर रही हूँ मैं और अच्छे से एडजस्ट कर लूँगी इसको और बॉबी क्लिप से इसको सिक्योर कर लूँगी। आप कोशिश कीजिए जो भी आप पफ या स्टफी यूज कर रहे हो वो आपके बालों के कलर से मैच होता हुआ। मेरा यहाँ पे बाल ब्राउन कलर गोल्डन कलर के हैं, बट जो स्टफी थी वो ब्लैक कलर की थी, फिर भी मैंने मैनेज कर लिया था। पर लेकिन आप बैगनर्स हो तो आप सेम कलर यूज़ कीजिए, ताकि हल्का फुल्का दिखे भी तो वो अच्छा लगे, बेकार ना लगे। तो इस तरीके से अगेन थोड़े से हेयर को लिया है मैंने, ताकि मेरा जो स्टफी है वो अच्छे से हाइड हो जाए और यहाँ पे क्लिप से इसको सेट कर लूँगी क्लिप की मदद से। मैसी लुक बना रहे हैं तो कहीं से भी प्लेन फ्लैट लुक नहीं देना है, हर जगह से आप बालों को इस तरीके से निकालोगे और उसके बाद से जो हेयर हैं उनको थोड़ा थोड़ा लेयर्स लेंगे और एकदम ऊपर की तरफ स्ट्रेट इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्टिंग को हल्का हल्का हाथों से खींचते जाएंगे, जिससे कि हमारा मैसी लुक जो है वो अच्छे से बन जाए। ब्राइडल मैसी बन हेयर स्टाइल है, दुल्हन के लिए मैसी बन, बहुत ही खूबसूरत सा बन बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, फाइनल लुक बहुत ही कमाल का होने वाला गाइस, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ऐसे ही थोड़े थोड़े लेयर्स लेने हैं एंड अच्छे से कॉम करके सुलझा लेना है बालों को। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उलझ गया था या बाल ये सुलझ नहीं रहा था, तो मैंने मोटे दांत वाली कॉम ली, उससे सुलझा लिया है अच्छे से और अब इसको फिर से ट्विस्ट किया है और थोड़ा थोड़ा हेयर को खींचेंगे और मैसी लुक देंगे। जहाँ तक आपको लेयर्स ले जानी है वहाँ तक खींच के इसको इस तरीके से बनाना है और जूड़ा पिन की मदद से मैं यहाँ पे सेट करते जा रही हूँ इसको। आप भी जूड़ा पिन लगा सकते हो, ये नहीं खुलेगा बाद में। तो एक साइड में हमारे 5 लेयर्स बनेंगे इस तरीके से, ओके। तो 3 लेयर्स बन गए हैं। अब ये जो बचे हुए हैं उसमें से 2 लेयर्स अगेन करेंगे हम लोग, इसको ट्विस्ट करेंगे। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं और जूम करके, ताकि और भी क्लियरली आपको दिखे कि कैसा लुक आया था हेयर स्टाइल का, ओके। अब सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बनाना है, ओके। तो दूसरी साइड बना के फिर दिखाती हूँ मैं। तो दूसरी साइड भी पूरा मैंने इस तरीके से बनाया, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। फ्रंट का लुक हमारा बहुत ही कमाल का दिख रहा है। इस पर आप दुपट्टा वगैरह भी सेट करोगे तो बहुत प्यारा दिखने वाला है। आप थोड़ा सा लेयर लेंगे जहाँ पे हमने क्लिप्स बहुत सारी ऐड कर दी हैं, जूड़ा पिन एंड क्लिप्स, तो वहाँ पे थोड़ा सा हेयर लेंगे और उसको सिंपली इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे और उसको भी खींच के इस तरीके से करेंगे और राउंड राउंड करके बीच में ही जहाँ पे हमारी सारी क्लिप्स ढक जाएँ उस तरीके से आपको क्लिप्स से इसको सेट कर देना है। अभी सारे बालों को अगेन लेंगे एंड सॉरी ईयर के पास से थोड़ा सा हेयर लेंगे, उसको हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और इस तरीके से खींच के मैसी सा लुक देंगे और जो हमने ये फ्लावर बनाया है उसके पास ही ले जाके दूसरी साइड में बॉबी क्लिप से सेट करना है यहाँ पे, नहीं तो ये खुल सकता है बाद में। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो ये हेयर स्टाइल। अब सारे हेयर को एक साथ लेंगे, अच्छे से कॉम करेंगे सुलझा के और इसको एक रबड़ से
रबड़ को लगा देंगे। उसके बाद से मैं यहाँ पे एक डोनट बन ले रही हूँ, जिससे कि हमारी ब्राइडल का अगर हेयर बहुत पतला हल्का भी है तो उसको अच्छे से वो जुड़ा बना पाए और बड़ा लुक आ पाए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेयर लेना है इसको डोनेट बन के ऊपर फैलाते हुए। आप चाहो तो इस तरीके से लपेट के यहाँ पे यूपिन से इसको सेट कर सकते हो, और चाहो तो यूपिन को निकाल दो, इसको इस साइड में लेके आओ, जिससे कि और भी प्यारा लुक आएगा। और डोनेट बन के साथ यूपिन लगा दो तो बहुत प्यारा बन बन के यहाँ पे मेरा रेडी होने वाला है। इसी तरीके से पूरे डोनट को कवर करेंगे और अमेजिंग सा हेयर स्टाइल बनाएंगे हम यहाँ पे। तो पतले हल्के बालों में भी आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैसी लुक देना है तो फ्रंट से आप हेयर को जब खींचोगे ना मैसी लुक बनाने के लिए, तो जो भी आपकी स्कैल्प दिखती होगी वो नहीं दिखेगी और बहुत प्यारा सा आपका ब्राइडल बन बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे डोनेट और स्टफी यूज़ किया है, तो पतले हल्के बालों में आप ये यूज़ करोगे तो बहुत प्यारा सा आपका हेयर स्टाइल बन के रेडी हो जाएगा। फिर थोड़े थोड़े लेयर्स लेके मैंने इसी तरीके से पूरे बन को हाइड किया है। ओके, अच्छे से यूपिंस लगा के इसको सेट करेंगे। अभी जो हमारे सारे हेयर बचे हैं उसमें से दो पार्ट्स करेंगे, एक पार्ट्स को बीच में छोड़ देंगे और दूसरे पार्ट्स को नीचे की तरफ से लेके आएंगे इस तरीके से, और राउंड राउंड लपेट के और डोनेट बन को कवर करते हुए यूपिन से इसको सेट कर देंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट होने वाला है। अब जो बीच का हेयर बचा हुआ है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपली ट्विस्टिंग करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करके अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आप इसको खींचोगे और बन के चारों तरफ लपेट दोगे। ओके, इस तरीके से देखिए कितना प्यारा सा हमारा बन यहाँ पे बन के रेडी हो रहा है। ब्राइडल पे पतले हल्के बालों में भी इतना प्यारा सा आप ब्राइडल बन बना के रेडी कर सकते हो, और बहुत इजी है। बस आपको थोड़ा सा ट्राई करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हो तो। अगर आपको थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल आता है तो आप बहुत आसानी से बना लोगे इसको, कोई भी दोबारा से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे फ्लावर वाले यूपिंस लिए हैं एंड जूड़े को सजाने के लिए इस तरीके से लगा दिया है। जहाँ पे आपको मन करे वहाँ पे आप लगा के जूड़े को अच्छे से सजा सकते हो। और ये हमारा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो फाइनल लुक कैसा आता है वो भी दिखा देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो सेकंड चैनल है उस पर मैं मेकअप ट्यूटोरियल और स्किन केयर रिलेटेड वीडियोज लेकर आते रहती हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल पर भी जाइए, प्रीत तिवारी, उस चैनल पर भी जाइए, उसको भी सपोर्ट कीजिए। प्रीत तिवारी 2 सेकेंड चैनल का नेम है, प्रीत तिवारी फर्स्ट चैनल का नेम है, एंड इंस्टा आई डी प्रीत तिवारी 24 है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो ये है बन का फाइनल लुक, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो। देख सकते हो आप कैसा लगा हेयर स्टाइल, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी इस तरीके की अमेजिंग हेयर स्टाइल की वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहूँ। यहाँ पे जो हमारा डो ये दिख रहा है स्टफी, इसको अच्छे से इस हेयर के साथ आप पिन लगा के सेट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। यहाँ पे कुछ पिक्स मैंने क्लिक की थी तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर की जाए। देखिए पिक्स में कितना प्यारा लुक आया है हेयर स्टाइल का, तो आप ट्राई करोगे ना जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। इंस्टा आई डी प्रीतवाई24, वहाँ पर मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, एंड कमेंट बॉक्स में भी मैं रिप्लाई करते रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।